सुनिए बोले लक्ष्मण। इसमें भैया का दोष नहीं है, ये तो जन्मों का सड़ा हुआ धनुष था, बरसों से पड़ा हुआ धनुष था, भैया के छूने से टूट गया, इसमें दोष का ही था। और ऐसे धनुष एक नहीं ब्राह्मण देव, बहुत धनु ही तोरी लगाई और कदम ना सरी सकी ना घुसाई, ऐसे धनुष हमने हमारे भैया ने बहुत से तोड़ दिए खेल खेल में, तब तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया, जब सड़ा हुआ धनुष बना था इसे छूने से टूट गया, इसमें दोष काहे का उनका, कोई दोष नहीं है। सबसे बड़े दोषी सबसे बड़े पापी तो तुम वहां पर सुना, समाज में मुधारे हो, बाप के कहने से मां को मार दिया, भाइयों का बंद कर दिया, अब वो दिखाने चले आए, सबसे बड़े दोषी सबसे बड़े पापी तो तुम हो। जो लक्ष्मण के ये शब्द सुने ऐसे मानो कि परशुराम के शरीर में किसी ने कांटे चुभो दिए हो। परशुराम को क्रोध आ गया, चिल्लाने लगे, मूर्ख बालक हम जैसे क्रोधी महात्मा से आंखें लगा के बात करने का नतीजा अंतर हो, इसका मतलब यह है बच्चों के मुंह लगना वैसे हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन तेरी मां तेरे सर पर मरना रही है, आराम में तेरे सामने अभी मारना। भागे फरसा लेकर के, और जब फरसा लेके भागे तो राम बीच में खड़े हो गए, शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, शांत हो जाइए, देखो परशुराम जी धनुष हमने ही तो तोड़ा है, धनुष ये हमने तोड़ा है, जो भी सजा देनी है वो हमें दे दो, उस लक्ष्मण से कुछ ना कहो, शांत हो जाओ। परशुराम शांत हो गए, परशुराम जब शांत हो गए तो लक्ष्मण फिर आगे बढ़ गए और राम से बोले भैया दोषी तुम, पागल हो गए भैया तुम, काहे को दोषी हो, पापी तो ये है। और बोले सबको मतलब ये परशुराम सबसे बड़े तो दोषी तुम, जो बाप के कहने से तुमने अपनी मां को मार दिया और समाज में मुंह दिखा रहे हो। जो शब्द लक्ष्मण के सुने परशुराम आग बबूला फिर हो गए, फिर चिल्लाने लगे मूर्ख बालक हम जैसे क्रोधी महात्मा से आंख लगा के बात करने का नतीजा जानते थे, फरसा को देख, वही फरसा है,
इस फरसा के बल से मैंने इस पृथ्वी को 21 बार छत्रियों से विहित किया है। तो लक्ष्मण बोले परशुराम तो इतने बहादुर फरसा को इधर समाज में लेके काय को चले आए, कहीं इसे नजर लग गई तो इसे घर पे छुपाते इधर काय को लाए। जो ये शब्द सुने दाती को पीस करके परशुराम कहने लगे लक्ष्मण जो भागे, और जैसे ही भागे तो विश्वामित्र बीच में खड़ी हो गई। रुको ब्राह्मण देव रुको, देखो आप समझदार हो, बच्चों के मुंह नहीं लगा जाता है, इसलिए अपने क्रोध को शांत करो। आई लक्ष्मण से जो भी भूल भई है हम उसे समझा देंगे, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। परशुराम बोले विश्वामित्र से समझा हम ही क्या, ऐसे बता हम ही क्या, सब बता देंगे, सब बता देंगे। कब बता दोगे, जब मर जाएगा तब, अभी बता, अभी बता हम ही क्या। शांत हो गए, और जब शांत हो गए तो अब की बार लक्ष्मण बोले नहीं, परशुराम की तरफ देखा तो देख करके धीरे से बस हंस गई बस। और जो लक्ष्मण को हंसता होगा परशुराम ने देखा, उतरी हुई कमान फिर चली गई। देख लिया विश्वामित्र हमसे कह रहे हम शांत हो जाएं, इसे नहीं समझाओगे। तो विश्वामित्र बोले परशुराम अभी तो उसने कुछ नहीं कहा। बोले कहा नहीं तो हमारी तरफ देख के हंसा के ये बता, बोलो। तो लक्ष्मण बोले ब्राह्मण देव तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लगती। नहीं बिल्कुल नहीं, जब हंसी अच्छी नहीं लगती है तो तुम मेरी मुंह की तरफ काय को देख रहे हो, मुंह फेर ना उधर को। और बोले थोड़ी भेजा था है? कोई निमंत्रण थोड़ी दिया था, तो बिना मतलब में बीच में कूद पड़े। बोले सबसे भारी लगन लगी तो जाओ संग लिए जाओ। कोई निमंत्रण नहीं दिया था जनक ने, जो तुम चले आए बिना मतलब में बीच में कूद पड़े, और जो तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे सेनाएं बजेंगी, चुपचाप निकल जाओ, धनुष से ज्यादा प्यारे ऐसे भी अपने साथ ले जा, जा चले जा। जो ये शब्द सुने अब परशुराम को और ज्यादा गुस्सा आ गया, चिल्लाने लगे खामा आ रहा मैं तेरे पास, अभी बता रहा हूं मैं क्या हूं। बड़े आगे तो राम बीच में खड़े हो गए। रुको रुको ब्राह्मण देव शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ, जो भी है मुझसे कह लो आप शांत हो जाओ, शांत हो जाएगी ना। परशुराम बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब हम समझे तुम दोनों भाइयों की चाल। एक जलती आग में घी छोड़ता है तो दूसरा पानी छोड़ता है, है ना। ये बात छोड़ो, एक बात बताओ, सबसे बड़े तो दोषी तुम हो राम, जो तुमने हमारा आधा नाम छीन के अपना नाम राम रख लिया, मेरा नाम छीन लिया, हम ही से दुश्मनी, तैयार हो जा मरने को, तो मार देंगे। तो राम बोले ब्राह्मण देव भाई हम केवल राम हैं, वो आप परशुराम हो, तो आपका नाम भी बड़ा है, मेरा नाम छोटा है, जब आपका नाम बड़ा है जो, और वही बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा होता है, आप बड़े हो हम छोटे। परशुराम बोले राम मीठी बात है नहीं, धनुष उठा मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं। तो राम बोले और शांत भी हो जा ब्राह्मण देव, ना तो हम तुम्हारे इस धनुष से डरते हैं और ना हम इस फरसा से डरते हैं,
केवल सम्मान उस चीज का करते हैं जब तुमने हमारी लात मारी थी बस उसका। तो परशुराम बोले तुम्हारे वो तो हमने नारायण के मारी थी। अगर तुम विष्णु के अवतारी हो राम तो राम रमा पति कर धन ले और खींचो चाप मिटे संदेह। अगर तुम उन्हीं के अवतारी हो तो ये धन सुना और इसमें डोर चला दो तो हम समझ जाएंगे तुम विष्णु के अवतारी हो। तो राम ने उस धनुष पे बाण चलाया तब परशुराम को ज्ञान हुआ इसका मतलब ये है कि राम अवतार हो गया। दोनों हाथ जोड़े माफ करना राम हमसे भूल हो गई, थोड़ी क्रोध में आकर के आपसे गलत कह दिया, हमें क्षमा करो। तो राम कहते हैं आप जाओ, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। जो आगे बढ़े तो लक्ष्मण फिर बोलने लगे जा रहे हो क्या परशुराम जी है? तो परशुराम दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माफ करना लक्ष्मण भैया भूल हो गई। तो लक्ष्मण बोले परशुराम हमने आपसे कब क्या कहा है? बात इस बात की है ना कि श्री महाराज हम ललकाए और ललका तो ललकपन करते देव, बच्चों के मुंह विद्वान लोग नहीं लगते हैं। बार बार क्षमा परशुराम मांगते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और इधर जनक जो है वो अयोध्या में खबर भेजते हैं कि दशरथ बारात लेके आए, राम की शादी होनी है। और इधर राम की बारात जो है वो सज धज के चली है उधर अवधपुर से और जनकपुर में जिस समय पहुंची है तो ये राम की बारात जनकपुर में जाकर के 74 दिन जाके रुकी है। बहुत दिन ना रुकी राम की बारात 74 दिन। आज जैसी दशा ना ही अति पहले बारात में पहुंची ना पाए ता से पहले फिर भेज दे घर को, नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में आदमी के पास न दाम की कमी है और न काम की कमी है न धाम की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी, टाइम ही नहीं।